करते हैं यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होगी, कौन करेगा भाई? गांधी जी। एक्चुअली आपको यह भी पता होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी बहुत पहले स्टार्ट करना चाहते थे। कब करना चाहते थे याद बताओ तो? जी असहयोग आंदोलन में जब मोहम्मद अली को जेल में डाला गया था, तभी गांधी जी ने लिखा था चेम्स फोर्ट को लेटर कि आप इनको छोड़ दीजिए, नहीं तो हम आपका बड़का आंदोलन स्टार्ट करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और जैसे ही स्टार्ट करने वाले थे तो चोरी चोरा कांड हो गया, उसके बाद असहयोग आंदोलन क्या हो गया? बंद हो गया। तो सविनय शुरू कहां से होगा? हाँ, उसके बाद जेल में गए, खूब मतलब दही हुई मतलब पूरा खाए, एकदम आराम किए, 10 साल तक एकदम ऐसे ऐसे करने के बाद लगाए 11 सूत्री फॉर्मूला। तो देख लीजिए आप, मतलब 10 साल नहीं 8 साल मान। हाँ जी, यहां पे देखिए, तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 में लाहौर में। गांधी जी ने कहा नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की बात की गई और यहां पे गांधी जी के जो आंदोलन थे उसको अनुमति दे दी गई। देने के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के आगे 11 सूत्री मांग को रखा। 11 सूत्री मांग को रखने के बाद सरकार द्वारा कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आया। तब गांधी जी बोले मत दो हम स्टार्ट करते हैं। तो ओकरा बाद बोले कि ठीक है, गांधी जी बोले कि अब हम स्टार्ट करेंगे कोची सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसकी शुरुआत सबसे पहले करेंगे हम कैसे? तो दांडी मार्च से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। गांधी जी ने कहा स्टार्ट करो, स्टार्ट हो गया। यहां पे देखिए गांधी जी और उनके साथ कितने सहयोगी थे? 78। गांधी जी लेकर कितना हो गए? 79। अब यहां पे देखिए 79, ठीक है ना? है आगे लिखते हैं 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से निकले। कब निकले थे जी? 1900। कौन आश्रम पहुंचे? कब? 6 अप्रैल 1930। ऐसे कहा जाता है कि 5 अप्रैल को पहुंचे थे और 6 तारीख को क्या किए थे? नमक बनाकर कानून को तोड़े थे। यहां पे देखिए एक जगह है नवसारी जिला और किन्ने है खंभात की खाड़ी पर डांडी नामक स्थान था, उन्हें गए मुठिया में उठाए कोची नामक अगवास। बोलेगा आप 52 कानून तोड़ दिए। बस अब जैसे नमक बनाए बोला हो गया बाहुबली, तो सब बोला बाहुबली, बोला फिल्म देख ले ज्यादा। सविनय अवज्ञा आंदोलन बोला। हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए इस आंदोलन के दौरान नमक को एक केंद्रीय मुद्दा बनाया गया है, जैसे कि क्योंकि एक ऐसी वस्तु है जो समाज के लिए प्रत्येक वर्ग से जुड़ी हुई है। सरकार द्वारा इस अति आवश्यक वस्तु पर भी अधिक कर लिया जाता था। एक पॉइंट याद रख रहे हैं, नमक ही उठाया गया, नमक उठाया गया, क्यों उठाया गया? वही वाला बातें हैं। शुरू से अगर आपके जीवन से संबंधित है तो आप लड़ेंगे, अगर आपके जीवन से संबंधित नहीं है तो आप नहीं लड़ेंगे। जब सैनिक विद्रोह हुआ था तो शिक्षित वर्ग बोले हमरा का है, हम कौन लड़ाई कर रहे हैं, सैनिक में कर रहे हैं, हमारा का मतलब है, हमारा तो नौकरी ही है, इसीलिए वो साथ नहीं दिया सब। और वही लोग साथ दिए थे जिसका जमींदारी छीना गया था, जिसका राज्य छीना गया था। यहाँ पे बड़ा दिमाग के तेज है, इसका मतलब मार्केटिंग फंडा बहुत अच्छा है। गांधी जी ने सिर्फ नमक इसलिए उठाया कि गरीब से गरीब आदमी को हर आदमी की जरूरत है, इसलिए लड़ेगा। यहां देखिए यह एक आंदोलन मतलब यह एक पैदल मार्च था। गांधी जी द्वारा अपने सहयोगियों के साथ लगभग 390 किलोमीटर की दूरी 24 दिन में तय की गई। इसका मतलब अगर मान लेते हैं तो लगभग मुगल सराय से पटना से कुछ आगे, नहीं जी बहुत आगे, 115 किलोमीटर पटना और एने है मुगल सराय में, खैर से 90 किलोमीटर ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, बताओ तो। बाप रे बाप, बोल बम भी लिए थे का बात साथ में? बोलो बम तो 125 किलोमीटर है ना। चलिए अब आते हैं, अब जरा प्रमुख विशेषता देख लीजिए।
गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया, यह दूसरा क्या था? जन आंदोलन। इस आंदोलन का भी आधार बिंदु क्या था? अहिंसा। इस आंदोलन में अंग्रेज के विरुद्ध निम्न कार्यों पर बल दिया गया। पहला, भूमि कर नहीं देंगे, सरकारी संस्थाओं का, विदेशी बिक्री का धरना देंगे, सामूहिक क्या करेंगे, हड़ताल, और क्या निकालेंगे, जुलूस, और सभी ने अवज्ञा आंदोलन में व्यापारियों और महिलाओं को क्या दी गई, भागीदारी। बात कहा जाए तो असहयोग हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो या सभी ने अवज्ञा आंदोलन हो या उस जमाने में कोनो आंदोलन होगा यही हुईबे करेगा। आज अगर होगा तो वही होगा, सुबह सुबह दुकान बंद होगा, शाम को खोल देगा सर, अब ना नहीं है सन। अच्छा मजाक नहीं, पेट्रोल मांगा बनकर बनकर बनकर, कुछ भी मांगा, सिलेंडर मांगा बनकर बनकर बनकर, सुबह बेचारा बन बन बन, अरे तो दुकान वाला बंद करके बाहर खड़ा था सन। अच्छा हड़ताल बना यार, हाँ देख आओ तो सन, जैसे चल जाए सन, ऐसे करता है लोग। तो चलिए ये हो गया आपका क्या आंदोलन। अब इस आंदोलन में जगह जगह विभिन्न व्यक्तियों का एक आंदोलन चला। जैसे पेशावर में एक संस्था बना था जिसका नाम था खुदाई खिदमत गार, और इस संस्था को बनाने वाले कौन थे, खान अब्दुल गफार खान। दो को खान रखे क्या जोर था जी, चलिए आगे लिख देते, खान अब्दुल गफार खान ये थे। और ये कहां रहते थे, तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, इसका मतलब पेशावर के आसपास। हाँ जी, तो देखिए यहां पे लिख दिया गया है, ये कहां के निवासी थे, पेशावर के। कौन से जाति के थे, पख्तून जाति के, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी। ये देखिए फक ए अफगान, और फिर ये क्या था, बादशाह खान, मतलब ये शाहरुख खान भी थे। हाँ जी आगे, इन्होंने जो दल बनाया था तो एक अहिंसात्मक आंदोलन करने का काम इनका दिया गया था, और ये लोग एक लाल रंग का कुर्ता पहनते थे, इसीलिए इस संगठन को बोला जाता था लाल कुर्ती का दल। एक और नाम जानता है, बहादुर जत्था के नाम से भी जाना जाता था, है ना। यहां देखिए, खुदाई खिदमतगार ने राष्ट्रवाद के समर्थन और उपनिवेशवाद के सिद्धांत संघर्ष किए। तो यानी खान अब्दुल गफार का नाम इसलिए भी आता है कि गांधी जी से बहुत प्रेरित है, इसलिए इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। इनका दल भी बहुत फेमस था, और ये बस इतना ही याद रखिएगा, काफी ज्यादा एग्जाम में आता है। उसके बाद एक गढ़वाल रेजिमेंट था जिसमें एक सिपाही थे जिनका नाम था वीरचंद सिंह, उन्होंने लाल कुर्ती आंदोलनकारियों पर गोली चलाई थी, सॉरी गोली चलाने से क्या कर दी थी, इनकार कर दी थी। तो देखिए ये जो सिपाही हैं वीर चंद्र सिंह, ऐसे सिपाही जलियांवाला बाग हत्याकांड में भी चाहिए थे। जैसे इन्होंने इस कुर्ती के दल पर गोली नहीं चलवाया था, वो लोग भी कहते थे हम नहीं चलावेंगे, और अगर जनरल डायर कहता अटैक तो जितना सिपहिया होता है इंडियन वाला मुड़ का कहता ले धाय ले, कहानी खत्म, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई भी नहीं करता, उधम सिंह को इंग्लैंड भी जाने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन हमको समझ में आ गया, उस समय राष्ट्रीय भावना जगा ही नहीं होगा, तभी तो आप नौकरी चल जाए उसके डर से आप अपने ही लोगों पे गोली चला रहे हैं। लगभग उसी समय में देखिए रॉक स्टार, बुलाया जाएगा तुम इसमें लगेगा का जी, नाम सुने आप लोग इसका, इनका। चलिए इनके बारे में बात करते हैं, बहुत अच्छा पिक है ये। मणिपुर और नागालैंड क्षेत्र में जनजातियों के द्वारा यदुनाथ के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया गया, मतलब कि विरोध में। उसके बाद बात करते हैं, तो यह आंदोलन थोड़ा हिंसक हो गया, इसीलिए यदुनाथ को क्या कर दिया गया, गिरफ्तार।
और 31 में क्या दे दी गई, फांसी। तब इस आंदोलन का नेतृत्व एक नागा महिला रानी गार्ड ड्यूल ड्यूल। चलिए, नागा महिला रानी ई द्वारा किया गया, और एक क्या थी, क्रांतिकारी महिला। बड़ा आश्चर्य की बात, पता है क्या, इनसे रिकॉर्ड है क्या कि गिरफ्तार बेचारी 1930 के आसपास में हुई थी। छुट्टी कब थी, 47 के बाद, इसीलिए इस महिला का बहुत नाम रहा। देखिए, इन्होंने जनजातियों को संगठित किया और अंग्रेजों से लगातार संघर्ष करते रहा लोग, और कौन से युद्ध से, गोरिल्ला युद्ध से, और यानी छापामार युद्ध कर सकते हैं। फिर लेकिन बाद में क्या हो गए, गिरफ्तार डाल दिया गया, कहां पे, जेल में, और आजादी के बाद छुट्टी है, यानी 1947 में, बहुत बड़ी बात है। और एक चीज और भी है, इतने लंबे समय तक जेल में रहने वाली कोई अगर एकमात्र महिला है तो यही है। यहां पे देखिए, रानी उस समय कितनी उम्र की थी, ये भी देख लीजिए, मात्र 13 वर्ष। कहां पे, चलिए तो भाई, किसी किसी किताब में 13 देता है, किसी किताब में 16 देता है, तो दोनों कर सकते हो, 13-16 जाए तो 3 वर्ष है, उन्हें घटा देना, सब घटा बढ़ा देना। अब यहां सवाल उठता है कि इनको रानी की उपाधि किसने दी थी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यहां देखिए, अब मान लेते हैं कि गांधी जी ने यहां पे दांडी यात्रा की थी, अब उसके बाद बोला गया कि आप भी कीजिए, जगह जगह कीजिए। तब जगह जगह, जैसे कि यहां पे आपको केरल देख रहे हैं, कालाबार, सॉरी एक तट है यहां पे जिसको बोलते हैं मालाबार, तो मालाबार तट में, तट के पास में जो जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे वो, उनका नाम था कैल्पन, ठीक है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कौन कर रहे थे, सी राजगोपालाचार्य, और अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कौन कर रहा था, गोपी चंद बंधु चौधरी, और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में कौन सागर है, तो नमक कैसे बनेगा, कैसे, हाँ तो मतलब आंशिक रूप से मनाया गया, लेकिन बिहार में इसी आंदोलन के साथ साथ अन्य आंदोलन शुरू कर दिया गया, नमक नहीं बना। लेकिन यहां पे देखिए, बिहार में कहा गया कि चौकीदार कर ना अदायगी, हम कर नहीं देंगे, समझ में आया, ये तो चौकीदार कर वाला 2019 में होना चाहिए था ना जी, क्योंकि उस समय चौकीदार बहुत फेमस हुए थे, हम भी चौकीदार हैं। तो अब आप लोग लिखिएगा कि चौकीदार कर नहीं देंगे। चलिए अगला बात करिए, यहां पे बात करते हैं, देखिए मध्य प्रांत महाराष्ट्र और ये क्या है, कर्नाटक, इस दौरान इन तीनों राज्यों में एक वन सत्याग्रह स्टार्ट की गई थी। तो याद रखिएगा, इनमें वन सत्याग्रह, और बिहार में चौकीदार कर अदायगी ना अदायगी, और गुजरात में भी शुरू हुआ था कर ना अदायगी सेम। लेकिन इसी समय एक आंदोलन और शुरू हुआ था, मतलब बच्चों के द्वारा, बच्चों ने एक बानर सेना बनाई थी, लड़कियों ने एक सेना बनाई थी, कौन सी, मांजरी सेना, माजरी, माजरी मतलब क्या होता है, सही बात है, यहां पे थोड़ा गड़बड़ है, यहां पे बच्चों के द्वारा बानर सेना, लड़कियों के द्वारा बंदरी सेना होना चाहिए था, यही ना अन्याय है, हम लोग साथ, हम लोग बांदर बांदर बोल रहे हैं, बंदरी लोग कोई बोलता है, ऐसा, लेकिन आगे 10 साल बाद हो जाएगा, जब लड़कियों की संख्या घटेगी, और जब लड़के लोग जाएंगे रिश्ता लेकर, नहीं, जब लड़कियों की संख्या घटेगी और लड़का लोग मतलब मतलब कहेगा हम दहेज देते हैं, लड़का लोग दहेज देंगे, लड़कियां लोग छाटेंगी, बोलेंगे थोड़ा सा तनी सा पेटवा निकल है, हाँ तनी तत्वा पीला है,
ऐसे बोलेगा लोग तो चल के दिखाइए तो पीले तो नहीं ना है, तो बोलेगा नहीं नहीं, वो लोग सब चेक करेगा लोग कि हाँ भाई ठीक ठाक है तब शादी करेगा। हम क्या जी कुछ ही बोलते, ये तो कहीं जाइबे ना करेगा ब्याह के लिए। ओकरा बाद मजा आएगा कि लड़कवा लोग चलेगा ऐसे और लड़के लोग चलेगा रोड पर ऐसे, तो लड़कवा लोग कहेगा ए बंदरी कितना मजा आएगा ना, सपना सपना रहेगा, गलत फहमी है, लड़कियों की संख्या कम है लड़कों की संख्या अधिक है। लेकिन आज के डेट में धीरे धीरे आप जो देख रहे हैं, जैसे लड़कियों की जो संख्या कम होता है उसका डिमांड तो बढ़ता है ना, शादी के लिए आपको कहीं किसी भी जाति में जल्दी लड़कियां मिल रही हैं। आप देख लीजिए मरवाड़ी समाज लाला समाज, ठीक है, लोग छटपटा रहे हैं, जो माँ जो है कहती ए हमारे लड़कवा रेलवे में नौकरी करता, कोई लड़की देखा ना तो रेलवे में कौन पोस्ट, रेलवे डी ग्रुप, ना ना बहनी हमरा कहे बा लड़की तो लड़का को खोजत रहन लेकिन वो एसपी उसपी को खोजत रहन रेलवे का नौकरी बोला ना, तब तब मैया कहेगी अरे बेहुदा कहेंगे रेलवे का नौकरी काहे निकल ले, कहीं तो रोगा निकलते, ये आएगा और अभी आ चुका है, इस तरह का कंडीशन हो रहा है, ये बहुत लोग का शादी नहीं हो रहा है, खासकर लाला लोग तो और सही में लाला लोग को बिजनेस करने आता नहीं है, हाँ तो सरकारी नौकरी खोजता है लोग, देख रहे हमारे बेटे तो बीपीएससी निकालेगी नहीं, वैसे बीपीएससी का डिग्री खोजता है लोग। अगला, गांधी जी डांडी के बाद यहां देख लीजिए एक धर्सना सत्याग्रह हुआ था, ये लिखवाए थे आप लोग को, धर्सना नमक कारखाना पर छापा मारने के लिए गांधी जी गए, परंतु जाए से पहले ही 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, अकेले भेज दिया गया यरवदा जेल। अब जेल में तो गए, उसके बाद गांधी जी चले गए तो कोई बात नहीं, अब्बास तैयब जी और कस्तूरबा गांधी बोले अब आप बाबू हम नेतृत्व करेंगे, तो अंग्रेज ने कहा अभी आइए, जो नेतृत्व करेगा वो क्या होगा गिरफ्तार। ओकरा बाद बोले कि जब कस्तूरबा गांधी हो गई गिरफ्तार तो ओकरा बाद हमू आवेंगे। यह देखिए सरोजनी नायडू, अब इन्होंने पूरा नेतृत्व किया तो पुलिस वाले ने भयंकर लाठी चार्ज किया तो अमेरिकी पत्रकार उन्हीं था वही समय, नाम क्या था डेवर मिलर, ई कहा कि धरासना जैसा भयंकर दृश्य मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा था, गया गुजरात में ही है। एक चीज और बता दे, इस घटना का जब इन्होंने अमेरिकी पत्रकार ने लिखा था तो पूरे विश्व में यह बात गया था और इसकी बहुत घंघोर मतलब क्या कहती है निंदा की गई थी। अब जैसे जैसे ये आंदोलन जोर पकड़ते गया वैसे वैसे अंग्रेजों के द्वारा इसका दमन किया जाने लगा और बड़े नेताओं के साथ साथ एक वर्ष के भीतर करीब करीब कितना 60,000 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और आंदोलन को क्या बनाया गया नाकाम। इस तरह का पूरा प्रयास किया गया था आंदोलन को रोकने के लिए। अब है ये नहीं है, इतना हो गया ना, बड़ी जल्दी खत्म हो गया जी।